तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब सच में स्कैम हो गया। मेकर्स ने सीरीज में तो स्कैम करा ही करा, पब्लिक के साथ तक स्कैम कर डाला। मतलब जब ही मजा आने लगा तभी वॉल्यूम एक जो पूरे 5 एपिसोड का है खत्म। मतलब ये वही बात होगी, मस्त खाना पकने को रख दिया है, बढ़िया मसाले की खुशबू आ रही है, मुंह में पानी आ रहा है, जस्ट पूरा खाना पक ही गया था और मम्मी ने तुरंत फ्रिज खोला और फ्रिज में खाना रख कर बोला कल खाएंगे। अरे भाई जो फ्रेशनेस, जो गर्म खाने का मजा अभी है वो कल कैसे आ जाएगा। सेम वॉल्यूम 2 नवंबर में रिलीज करा जाएगा क्योंकि जैसे ही ट्विस्टर आने वाला होता है, टू बी कंटिन्यूड लिखकर तुषार हीरानंदानी चूतिया कार्ड देते हैं पब्लिक का, जनता का। देखो एक लाइन में कहूँ तो अमेजिंग वेब सीरीज है, लेकिन इस सीरीज के पास ना प्रचार है ना प्रसार है। वर्ड ऑफ माउथ की वजह से अगर ये हिट हो गई तो इट इज अ मार्वलस कॉन्टेंट, कोई मोल नहीं है, वरना कूड़ेदान में जाने से इसे किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। जी हाँ दोस्तों, 30,000 करोड़ का होता है स्कैम। कैसे फर्जी स्टैम्प पेपर को मेजॉरिटी ऑफ स्टेट में सर्कुलेट करके 30,000 करोड़ का ऑफिशियल आंकड़ा चुराया जाता है, 30,000 करोड़ की कमाई करी जाती है, मतलब स्कैम करा जाता है। तो ये तो है ऑफिशियल आंकड़ा, लेकिन 42 से 43 करोड़ का अनऑफिशियल आंकड़ा भी होता है। लेकिन तुम इसे माइंड मत करना क्योंकि सीरीज भी बेस है सिर्फ 30,000 करोड़ के घोटाले में अभी तक, वॉल्यूम 1 तक, जिसमें 10 साल तक ये स्कैम लगातार चलता है और रूलिंग नॉन रूलिंग पार्टी दोनों का जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये तो था मोटा मोटा मेन पार्ट कहानी का। अब चलते हैं थोड़ा सा डिटेलिंग में और कहानी के और भी दूसरे पार्ट्स में। तो स्टोरी बेस है रियल लाइफ स्कैम इंसिडेंट पर। गरीब परिवार का एक मामूली सा आदमी अब्दुल करीम तेलगी इसका नाम होता है, एक अंडरडॉग मैन जिसे पैसा कमाना नहीं था, पैसा बनाना था, और उसने करा भी वैसा ही। कहा तो एक फल बेचने वाला आदमी मुंबई जाता है, वहां जगह जगह जॉब करता है, फिर विदेश तक जाता है, और उसके बाद जब वो वापस आता है न्यू आइडिया न्यू स्कीम के साथ स्टैम्प पेपर घोटाला डिजाइन करता है और इसमें एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस पा लेता है जो उसने खुद भी इमेजिन नहीं करा था। ये है स्टोरी लाइन जिसमें कोई फालतू बकचोदी नहीं दिखाई गई है। लाइक तेलगी की पूरी कहानी सिर्फ तेलगी के आसपास घूमती रहती है, ऐसी कोई फालतू की बकैती नहीं दिखाई है। सिंपल एंड स्मूथ कहानी बड़े प्यार से आगे निकलती रहती है। कहानी का जो पेस है बहुत स्मूथ है, कुछ भी फालतू का आइटम नहीं है, बहुत प्यार से कहानी निकलती है जो आपको वेब सीरीज के एंड 5 एपिसोड तक जोड़ के रखेगा। मतलब देखो खाने में मजा कब आता है, जब खाना खाने में टेस्टी और निगलने में आसानी हो। सेम चीज इस स्टोरी का भी है। ऐसा नहीं कि तेलगी को बच्चों की, उनकी बीवी की लाइफ, उसके घर का ज्यादा लाइफ और बाहर की फालतू चीजें दिखाई गई हो, बिल्कुल नहीं। तेलगी के आसपास ही पूरी सारी स्टोरी घूमती रहेगी। एक बार के लिए इतना अटैच हो जाओगे कि आपको एक्चुअल में मजा आने लग जाएगा। तभी इस मूवी का सबसे डिजास्टर मूव आता है, टू बी कंटिन्यूड, और यहाँ आपका मूड जरूर खराब होगा एक बार के लिए। दूसरा, कास्टिंग इज सुपर फैंटास्टिक। जैसा स्कैम 1992 में था बिल्कुल प्रतीक गांधी ये बंदा नया था, सेम वही चीज दोबारा दोहराई गई है। स्कैम 2003 में गगन देव रियार, ये बंदा बिल्कुल अंडरडॉग और इस रोल के लिए मुझे लग रहा है इससे बेहतर बंदा और कोई मिल भी नहीं सकता था। बिल्कुल अब्दुल करीम तेलगी की पूरी छवि साफ साफ नजर आ रही है इसके कैरेक्टर से, इस बंदे की एक्टिंग से, इतना जबरदस्त परफॉर्म किया है इस बंदे ने। दूसरा, शो की राइटिंग इज अमेजिंग, बहुत प्यारी राइटिंग करी गई है। वाकई में सीरीज देखकर पता लग रहा है कि मेहनत करी है, क्योंकि ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंट के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च चाहिए होती है, बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए होती है, और यस राइटर ने या फिर यूं कहो कि क्रिएटर ने वो मेहनत करी है, ऐसे जबरदस्त कॉन्टेंट को इतनी आसानी से हम लोगों के सामने रखा है। डायलॉग्स आर अमेजिंग, बहुत दमदार है डायलॉग, जैसे हर्षद मेहता को दिया था सेम गगन भाई को भी दे रखा है। पूरा डाउन टू अर्थ कैरेक्टर है एक तो, फिर डायलॉग बहुत शानदार है, लाइक लाइफ में आगे बढ़ना है तो डेयरिंग तो करना पड़ेगा बाबा। दूसरा ये कि जैसा आप कायदे की भाषा समझते हो वैसा ही मैं फायदे की भाषा समझता हूं। 5 एपिसोड हैं ये मैंने पहले ही बता चुका हूं, पर एपिसोड लेंथ है 50 मिनट अराउंड, और आपको लगभग में लगभग 4 से 4.5 घंटे खर्चने पड़ेंगे इस बेहतरीन सीरीज को देखने के लिए। दूसरा ये वॉल्यूम 2 के लिए नवंबर तक जो गैप लिया है, इस बीच कहीं ना कहीं पब्लिक मेकर के साथ स्कैम ना कर दे, क्योंकि सच बताऊं तो बिल्कुल जरूरी नहीं था इस सीरीज को 2 पार्ट में तोड़ने की। इस बीच अगर कोई और कॉन्टेंट आ गया तब ये कहीं ना कहीं धुंधली पड़ जाएगा, क्योंकि आए दिन 2 से 3 कॉन्टेंट रोज निकल रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म पर, तो इतना लंबा गैप कहीं ना कहीं इसके लिए पिटफॉल साबित हो सकता है, डाउनफॉल साबित हो सकता है। बाकी देखो आगे क्या होता है, नवंबर तक कोई वेट कर पाएगा या नहीं, हु नोज, लेकिन मैं सीरीज के उस मंजर से रूबरू कराऊंगा आपको जब मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हुआ था, टू बी कंटिन्यूड देखकर बिल्कुल ऐसे ही छोड़कर चले गए थे। खत्म, टाटा, बाय बाय।